आईआईटी के कैंपस में चल रहे प्राइवेट स्कूलों को अब बंद करने का आदेश जारी हो गया है। आईआईटी मंडी के पूर्व कर्मचारी सुजीत स्वामी और आईआईटी गुवाहाटी के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर ब्रजेश रॉय की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने यह फैसला दिया है। आपको बता दें, इन दोनों ने देश के 9 आईआईटी संस्थानों में चल रहे प्राइवेट स्कूलों को लेकर 30 अक्टूबर 2019 को दिल्ली हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की थी। इसमें आईआईटी मंडी और केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय को भी पार्टी बनाया गया था, क्योंकि आईआईटी मंडी के कैंपस में भी माइंडट्री के नाम से एक प्राइवेट स्कूल का संचालन हो रहा है। 13 नवंबर को इस जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सी हरिशंकर ने यह फैसला सुनाया। हाईकोर्ट ने 28 जुलाई 2016 को केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा जारी किए गए उस सर्कुलर को आधार मानते हुए यह फैसला सुनाया, जिसके तहत आईआईटी संस्थानों में सिर्फ केंद्रीय विद्यालयों का ही संचालन हो सकता है। पहली ही सुनवाई में मुख्य न्यायाधीश ने मंत्रालय को अपने इस सर्कुलर का सही ढंग से पालन करवाने को कहा है। जनहित याचिका दायर करने वाले सुजीत स्वामी ने हाईकोर्ट के फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि इस फैसले से देश के उन आईआईटी संस्थानों को सबक मिलेगा जो सरकार के आदेशों की अवमानना करते हुए अपने स्तर पर नए नए फैसले लेते हैं। इसी सर्कुलर के संदर्भ में हमने जनहित याचिका लगाई थी और डिमांड की थी कि सर्कुलर का प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन करवाया जाए, जिसकी सुनवाई करते हुए 13 नवंबर को चीफ जस्टिस ऑफ दिल्ली हाई कोर्ट सी हरिशंकर जी ने आदेश पारित करते हुए डायरेक्ट किया है MHRD को कि वो सर्कुलर की पालना कानून के दायरे में सुनिश्चित करे। ये बहुत ही एक माइल्ड स्टोन डिसीजन दिल्ली हाई कोर्ट का भी आया है, उसके माध्यम से पूरे देश में जितने भी IIT उनको एक सबक मिलेगा जो संविधान को चिढ़ाते हुए मन मर्जी के BOG के माध्यम से अपनी मन मर्जियाँ चलाते हैं और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रेवेन्यू को साथ साथ टैक्स पेयर को भी धोखा देते हैं। क्योंकि IIT मंडी के खिलाफ जो अनियमितता पाई गई थी उसके खिलाफ भी हमने शिमला हाई कोर्ट में एक जनहित याचिका लगा रखी है। उसके अंदर भी हमारी प्राइम डिमांड यही है कि IIT मंडी के कैंपस के अंदर जो माइंडट्री स्कूल चल रहा है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की पॉलिसी के खिलाफ है, उसको बंद किया जाए। इसके अलावा हमने और भी जो अनियमितता है उनकी CBI और SIT उच्च स्तरीय जांच की मांग की थी, जो शिमला हाई कोर्ट में भी हमारी मांग को स्वीकार कर करके याचिका को स्वीकार करके IIT मंडी से जवाब तलब किया गया था। IIT मंडी ने जवाब दे दिया है और अब हम उसमें रिजेंडर पेश कर रहे हैं और उसके बाद जिरह होगी। उसके बाद हमें पूरा विश्वास है कि शिमला हाईकोर्ट से भी हमारे पक्ष में